मां भारती को शत शत नमन। हमारे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी 1,30,00,000 जनता का और साथ में हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों का। मां भारती, हम आपसे ये मांग करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं मां भारती की, जो महाभारत हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के विरोध में राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए और अपने स्टेट सब्जेक्ट की रक्षा के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, महाराजाओं ने, तमाम वर्ग के लोगों ने, हमारा जो पहचान पत्र जो महाराजा हरि सिंह जी के पास जाकर के हमने राजपूत सभा, क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, कश्मीर वैली, कश्मीरी पंडित, तमाम वर्ग के लोग महाराजा हरि सिंह जी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी पहचान, हमारी शनाखत, हमारे जम्मू कश्मीर की पुश्तानी पहचान जो है तमाम धर्मों की सुरक्षित रहे, ऐसा कुछ कहिए कि विलय के समय के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान सुरक्षित रहे और इसलिए परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट प्रमाण पत्र हम जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला। आज एक विवाद खड़ा कर दिया गया है, हमारा राज्य का दर्जा छीन करके, हमारी पहचान छीन करके, डोगरों की, हमारे बुजुर्गों की, तमाम वर्ग के लोगों की, पीर पंजाल, चिनाब वैली, कश्मीर वैली, लद्दाख वैली की तमाम रियासत को तहस नहस करके, डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और हमारी अधिकारों को भी छीना जा रहा है। मां भारती, हम आपको शत शत नमन करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस विवादित मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और हम आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी से ही और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और अमित शाह जी से भी कि आप इस विवादित मुद्दे को, डोमिसाइल को वापस ले लें और सारा क्रेडिट ले लें। सुनिए डिंपल, जो जन आंदोलन 1,30,00,000 जनता का लेकर के चल रहा है नौजवानों के हकूक के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमारा इस खमियाजा ना भुगते, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही मिले पढ़े लिखे और हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान बनी रहे, हमारा राज्य का दर्जा वापस करें प्रधानमंत्री जी और सारा क्रेडिट आप डोमिसाइल राज्य का दर्जा, क्योंकि सुनील डिंपल को कोई लालच नहीं है, मुझे ना कोई चुनाव लड़ने हैं, ना कोई मिनिस्टर बनना है, ना कोई एमएलए, ना मेंबर पार्लियामेंट बनना है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, आप जम्मू कश्मीर के सांसद हैं, आप इसका डोमिसाइल का स्वागत कर रहे हैं जबकि 1,30,00,000 जनता विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है डोमिसाइल का। प्रधानमंत्री जी, आप एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आपकी छवि जम्मू कश्मीर में खराब नहीं हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस विवादित मुद्दे को आप वापिस ले लें और सारे का सारा क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले ले। ये मेरी आपसे अपील है और इस महाभारत को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापिस नहीं लिया जाए और जब तक कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर दे कि जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को ही मिलेगी और साथ में जब तक हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस नहीं मिलता तब तक हम इस जंग को, महाभारत को जारी रखेंगे और मां भारती को शत शत नमन करते हैं। सुनील डिंपल शत शत नमन करता है इस महाभारत में हमारी विजय हो और सत्य की विजय हो और जम्मू कश्मीर की विजय हो, जम्मू कश्मीर की आवाम की विजय हो और सदबुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को कि वो इसको डोमिसाइल को वापस ले लें और सारा क्रेडिट ले लें। मैं हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज सच्चे दिल से अपील कर रहा हूं और मां भारती से अपनी जम्मू कश्मीर की विजय के लिए शत शत नमन करके प्रणाम कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।